मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ हमारे लिए चाय बन रही है और तलन साहब ने ये लिए है, चाय के साथ लेंगे। और मैंने डाल लिया है घयो। तो यहाँ पे चाय बन रही है और ठंड आज काफ़ी होगी है। कल शाम को ही वैसे ज़्यादा होगी थी, धुंध एकदम से होगी थी। तो जैसे बारिश होने के बाद ना, कहीं जैसे पहाड़ी एरिया में बर्फबारी बहुत भयंकर होने के बाद जब बहुत सारी धुंध और बिल्कुल ठंडी हवा चलती है ना, ऐसे करके चल रही थी। और आज ठंड है। रात को जैसे कल शाम को ना ऊपर घूम रहे थे ना, तब ठंड लग रही थी। तो और अब भी जैसे उठे हैं तो ठंड काफ़ी लग रही है। तो ठंड एकदम से होगी है भैया। आप सब अपना ध्यान रखना क्योंकि ठंड एकदम से बढ़ गई है। से हाय, गुड मॉर्निंग। और ये देखो मेरे छोटे छोटे से प्लांट, ये स्पाइडर प्लांट है। ये इतने छोटे से प्लांटर में लगा दिया मैंने, और ये बॉटल में लगा रखे हैं। होंगे नहीं होंगे ये पता नहीं है। तो अभी बन जाएगी चाय। और देखो बाहर का भी मैं दिखा के आती हूँ आप लोगों को। ये बाहर का मौसम देखो, वैसे दिखाई नहीं देगा, छत पे जाए तो दिखाई देगा, धुंध है आज ज्यादा। दूर का दिखाऊं? हाँ, गली का दिख जाएगा। देखो ये धुंध है आज और काफी ठंड होगी, काफी ठंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब ये है, और ये देखो ये मेरी मनी प्लांट है ना, ये कितनी नीचे तक आ गई। आज इसको थोड़ा सा ठीक करूंगी। तो अब डाल लेते हैं चाय। लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। देखो अभी मेरे ख्याल में 12 के आसपास का टाइम होगा ना, इसमें देख लेना। हाँ, 11:30 हो गए। तो 11:30 हो गए, देखो अगर दिख रहा होगा ना, ये पता नहीं धुंध है या पोल्यूशन है, क्या है ये? ये देखो इतनी सारी। और कल शाम से ही ऐसे है, कल शाम को तो बहुत ज़्यादा होगी थी। अभी सूर्यदेव देखो उधर है, धुंधले धुंधले, और हवा भी ठंडी चल रही है। और आज हम लगे हैं ये कारपेट धोएंगे। पहले छत धोई और अब इस पर ना साबुन लगाकर इसको अच्छे से रगड़ेंगे और फिर उठा के इस पे सुखा देंगे। लो मैं लगाऊंगी, आप तो ना बैठा जाओ, छोड़ दो ना, ये एक ही बहुत है ना।
दूसरा किसी लिए गीला करना जरूरत ही नहीं है, मैं लगा देती हूँ और फिर साथ साथ मसल देंगे इसने। ज़्यादा दूर का तो दिख भी ना रहा है, इतनी ये धुंध है कि पोल्यूशन है, भगवान जाने कल ही चेंज हुआ रहा है समोसे में ना। इसके किनारे साबुन रगड़ दो नहीं तो वो आ जाएगा नहीं ऐसे। ये यहाँ तो खराब हो गया या तो लक्की के पंजे मारे हो रहा है वहां तो जरूर होगा फिर। ये देखो ये धो दिया है सारा और मैंने जूते भी धो दिए हैं, अब ये उठाना बहुत भारी हो जाता है तो इसलिए सबसे ऊपरली छत पे ही इसको ला के धोते हैं पहले ना। मैं दिखाती हूँ, इधर वाली छत पे डाल के धोते थे फिर ये उठाकर ये ऊपर इस पे डालते थे तो इस पे ना उठा के लाना बहुत भारी हो जाता है। ये वैसे ही सूखा होता ना तभी इतना भारी होता है, एक बंदा से मुश्किल उठाता है और गीला होने के बाद तो ना दो बंदे ही मुश्किल उठा पाते हैं। क्या कह रहे हो, आ जाओ तो दो बंदों से भी मुश्किल उठता है। और ये देखो बिल्कुल कॉलेज के ना बिल्कुल पेड़ दिख नहीं रही है इधर देखो, और उधर से देखो इतना पोल्यूशन है, कुछ धुंध है, कुछ पता ही नहीं क्या है। चलिए अभी आगे हैं किचन में और किचन में बहुत ही बढ़िया सी एक सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और मेरी बेटी को ये खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ लिया है मैंने पैन और पैन में डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में डाल दिए हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे, जितने छोटे प्याज होंगे ना उतनी ये सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसे प्याज हैं, इसको तेल के साथ भून लेना है तो हाफ ही भूनना है यानी इसका हल्का सा कलर चेंज हो ऊपर से तभी हमने इसको निकाल लेना है। और यकीन मानो ये सब्ज़ी माशाल्लाह मस्त वाली सब्ज़ी बन के तैयार होती है। अब इसी तेल में हमने कुछ चीज़ें ली हैं लाइक टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और थोड़े से इसमें लिए हैं काजू, और काजू बिल्कुल ऑप्शनल है तो आप डालोगे तो थोड़ी रिच सब्ज़ी बन जाएगी और ये रिच सब्ज़ी ही होती है। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे से भून लेना है यानी थोड़ा सा ना ये गल जाए तब तक हमने इसको भून लेना है और इसको ना हाई फ्लेम पे भूनना है, सिम आंच पे नहीं भूनना है। और इसको निकाल के यानी भुनने के बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब तक भुनना है और फिर निकाल के और ठंडा करके इसको पीस लेना है। चलिए ये बन जाएगी बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट और अब आगे चलते हैं इसको, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और अब इनको निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में और ठंडे करके पीस लेंगे। और अब इसी तेल में हमने आगे का प्रोसेस शुरू करना है। तो इसमें क्या डालना है, सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे थोड़ा सा यानी दो साबुत लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ डाला है शाही जीरा। और इसके क्रैकल होने के बाद हमने डालनी है जो हमने टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाई है हमने वो डालनी है। और ये मसाला अच्छा सा जितना अच्छा सा भुन गया उसके बाद उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी सब्ज़ी बनती है।
अब ये जो ग्रेवी है इसका मसाला वैसे तो पहले भून चुका था, लेकिन एक बार फिर से इसको भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए मसाले से। अब यहाँ पे मसाला भूनने के बाद आपने डालें बेसिक से मसाले। मसाले में क्या लेना है, जो आप नॉर्मल सब्जी में खाते हो ना, आप वही मसाले इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक हल्दी है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गर्म मसाला है, थोड़ी सी देगी मिर्च है। तीखे के लिए मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। और अब जितनी ग्रेवी आपने पतली रखनी है तो आप पानी ऐड कर दीजिए, और अगर गाढ़ी रखनी है तो एज इट इज़ इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब जो हमने प्याज भून के रखे हैं हमने वो डाल देना है मसाला पकने के बाद, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपको ध्यान होगा अब तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। और प्याज के साथ पहले यानी ग्रेवी के साथ प्याज को भी अच्छे से पका लेना है, यानी भून लेना है, तो प्याज के अंदर तक ये मसाला चला जाए। अब यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, और देखो थोड़े जितने भी छोटे प्याज होंगे ना उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी बनेगी, और थोड़े से मोटे हों तो बीच में प्याज के हल्का सा कट लगा लेना ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। चलिए अब बारी आती है इसमें पनीर डालने की। और ये जो पनीर है ये घर का बना हुआ पनीर है, मैं अपने घर पे ही पनीर बनाती हूँ, बाहर से मैं नहीं लेके आती हूँ। तो अब इसमें पनीर डाल देना है, और पनीर डालने के बाद अच्छे से इसको फुल फ्लेम पे ही हमने भून लेना है। ठीक है, भून लेना है यानी फुल फ्लेम पे अगर इसको बनाएंगे ना तो ये भून लेना ही बोलते हैं। अब इसमें थोड़ी सी और रिचनेस देने के लिए हमने डाल दी है दूध की ताज़ा मलाई, और आपके पास दूध की मलाई हो तो आप वही डालें, बाकी आप क्रीम भी डाल सकते हो, बाकी दूध की ज़्यादा ताज़ा मलाई होती है ना वो बेस्ट होती है। ठीक है, अब इसमें डाल देने हैं कस्तूरी मेथी, और वो तवे पे मैंने भून ली थी, और अब थोड़ा सा क्रश करके और वो डाल दी है। अब यहाँ पर आती है श्रद्धा अनुसार आपने डाल देना है हरा धनिया। हरा धनिया डालोगे तो टेस्ट में भी बढ़िया लगेगा और कलर में भी बढ़िया बनेगा। बस लास्ट में आपने इसमें डाल देना एक से दो चम्मच देसी घी, प्योर गाय का देसी घी है, और उससे एक तो फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और टेक्स्चर भी बढ़िया बन जाएगा, ऑफकोर्स टेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो ये जो सब्ज़ी बन के रेडी होगी है, और ये सब्ज़ी है ना आपको कोई भी गेस्ट आ जाए ना तब उनके लिए बना के देखना, मस्त सब्ज़ी बनती है और गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी, पूछेंगे कैसे बनाई आपने। तो ये है सीक्रेट रेसिपी, ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। बेटी की सहेली भी आई थी ना, वो भी यही बोल रही थी कि आंटी जी मुझे वो सब्ज़ी बना के खिला दो। तो बस ये सब्ज़ी बन जाएगी अभी घी ऐड करके, और गैस बंद करके और इसको ढक के छोड़ देंगे ताकि घी का, कस्तूरी मेथी का, धनिए का फ्लेवर अच्छा सा सब्ज़ी के अंदर तक चला जाए। तो ये देखो कितनी बढ़िया सी, और मैं जब इसको एडिट कर रही थी ना मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी जिस दिन मैंने इसको बनाया था, बहुत ही मस्त वाली खुशबू पूरे घर में हो गई थी। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करके देखना, मस्त वाली सब्जी बन जाती है, ये एक शाही रिच सब्जी है ये। तो अब ये देखो कितनी मस्त वाली लग रही है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में और नई ऊर्जा के साथ। तब तक बाय बाय।